हेलो फ्रेंड्स बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनाएं, उनका मोलर मास कैसे निकालें और उनकी एटॉमिसिटी कैसे निकालें। बेसिकली बेटा ये टॉपिक क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें काफी दिक्कत रहती है, काफी प्रॉब्लम आती है कि कंपाउंड्स के फॉर्मूले नहीं बनते, मोलर मास निकालना नहीं आता। और यही टॉपिक क्लास 10th और अगर आप +1 +2 में साइंस चूज करते हो तो वहां भी ये यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनते हैं, उनके मोलर मास कैसे निकालें और उनकी एटॉमिसिटी कैसे निकालें। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए कि कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपको पता हो एक वैलेंसी चार्ट। बेटा वैलेंसी चार्ट ये होता है कि हमारे पास ना दो तरह के आयंस होते हैं, दो तरह के। वैसे आयंस होता क्या है, जिनके ऊपर कोई चार्ज हो, जिन स्पीशीज के ऊपर कुछ चार्ज होता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको हम बोलते हैं आयंस। अब आयंस दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज वाले और दूसरे हो गए नेगेटिव चार्ज वाले। जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इनको बेटा हम बोलते हैं केटायंस, दीज आर नोन एज अ केटायंस। और जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं दीज आर नोन एज अ एनायंस। ठीक है, इसका मतलब आयंस दो तरह के हो गए, पॉजिटिव हो गए और नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव को हमने केटायन बोल दिया, नेगेटिव को हमने एनायन बोल दिया। और अब हमने बेटा पॉजिटिव को यहां मतलब हम पॉजिटिव वैलेंसीज लिख रहे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव के लिए हम लिखेंगे नेगेटिव वैलेंसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब वैलेंसी चार्ट में आपको दो तरह की वैलेंसीज मिलेंगी, एक तो पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की। पॉजिटिव को भी हमने आगे डिवाइड कर दिया +1 +2 और +3। अब इसका मतलब क्या है, अगर जिनके ऊपर चार्ज +1 होगा उसको हम रखेंगे +1 वाली कैटेगरी में, जिनके ऊपर चार्ज +2 होगा उनको हम रखेंगे +2 वाली कैटेगरी में, और जिनके ऊपर चार्ज +3 होगा उनको हम रखेंगे +3 वाली कैटेगरी में। वैसे तो बेटा कुछ एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज +4 भी होता है, लेकिन मैंने सिर्फ इस वीडियो में जो कुछ कॉमन कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं सिर्फ उनकी वैलेंसीज ही कवर की हैं। ठीक है, जो ज्यादातर आपके 95% से ज्यादा आपके यही यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि +1 चार्ज वाले, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, अमोनियम, क्यूप्रस, सिल्वर, इन सभी के ऊपर बेटा +1 चार्ज आएगा। ठीक है, +1। +2 में मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, फेरस, स्ट्रॉन्शियम, जिंक, क्यूप्रिक या कॉपर और लेड। अब एक बात यहां पर ध्यान से समझो, अगर तो आपको लिखा है क्यूप्रस तो इसका मतलब कॉपर की स्टेट लोगे +1। अगर आ गया क्यूप्रिक या कॉपर तो इसका मतलब कॉपर की स्टेट आप यूज करोगे +2। ठीक है बेटा, कॉपर की दो स्टेट्स हैं, एक +1 है एक +2 है। अगर तो क्यूप्रस लिखा आया तो +1 यूज करोगे, अगर क्यूप्रिक या कॉपर लिखा आया तो आपने +2 यूज करना है। और +3 में आपके पास है एल्यूमिनियम और फेरिक। अब फिर से ध्यान से समझो कि आयरन की भी दो स्टेट्स हैं, एक तो +2, जब फेरस लिखा होगा तो +2 यूज करना है, और जब फेरिक लिखा होगा तो +3 यूज करना है। क्लियर बेटा, पॉजिटिव वैलेंसीज के लास्ट में मोस्टली IUM होता है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, अमोनियम। अमोनियम में याद रखना ये H का जो 4 लिखा हुआ है, ये 4 उसके नीचे है, 4 का मतलब उसके नंबर ऑफ एटम्स हैं और ऊपर चार्ज तो +1 ही है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम में IUM आ गया, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, एल्यूमिनियम। सो बेटा पॉजिटिव बैलेंसेज के लास्ट में ज्यादातर क्या होता है, IUM। ठीक है बेटा, आई होप सो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव बैलेंसेज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, +1 +2 और +3। अब इसके बाद देखेंगे बेटा हम कुछ नेगेटिव बैलेंसेज। अब नेगेटिव का मतलब जिनके ऊपर चार्ज होगा जी नेगेटिव में, इसको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, -1 -2 एंड -3। सबसे पहले हम चेक करेंगे -1, हाइड्राइड। बेटा हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी शो करेगा और नेगेटिव भी। अगर तो पॉजिटिव चार्ज होगा फिर तो सिंपल हाइड्रोजन बोलना है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हाइड्राइड बोलना है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड।
बेटा सिंबल्स साथ में दिए गए हैं OH नेगेटिव बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3 चार्ज इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव ही होगा, बाइसल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 1 नेगेटिव, क्लोरेट ClO3 1 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, नाइट्राइट। अब ध्यान रखना बेटा नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 1 नेगेटिव, नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2 1 नेगेटिव, एसीटेट CH3COO नेगेटिव, ठीक है, सुपरऑक्साइड O2 1 नेगेटिव, साइनाइड CN1 नेगेटिव, परमैंगनेट MnO4 1 नेगेटिव। बेटा मुझे पता है कि काफी ज्यादा ये बैलेंसेज हो गई, इनको याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करोगे तो बेटा धीरे धीरे कुछ कुछ आप कवर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक और है अजाइड N3 1 नेगेटिव, सो इन सभी के ऊपर चार्ज कितना है 1 नेगेटिव। अब हम बात करेंगे 2 नेगेटिव में सल्फेट आ गया, अब एक बात देखो ना सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है SO4 2 नेगेटिव, जब इसके आगे आप लगा दोगे हाइड्रोजन सल्फेट तो ये बन जाएगा HSO4 1 नेगेटिव। एक तो हाइड्रोजन लगा दिया और उसका चार्ज भी कम हो गया। अब सल्फेट के बाद आ गया सल्फाइट, जैसे नाइट्रेट के बाद आया था नाइट्राइट तो ये बन जाएगा SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, सल्फाइड S2 नेगेटिव। सो सल्फेट सल्फाइट सल्फाइड, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, जब इसके आगे आप लगाओगे हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हाइड्रोजन लगा के एक चार्ज डिक्रीज कर देना, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, मैंगनेट MN2O7 2 नेगेटिव, परोक्साइड O2 2 नेगेटिव। सोडा इनमें से वैसे तो जो फर्स्ट फोर और फाइव है आप इनको कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी जिनके ऊपर चार्ज होगा -3, नाइट्राइड फोस्फाइड फोस्फेट फोस्फाइड। शायद आप इतना समझ गए होगे कि जैसे नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइड आ गया, सल्फेट सल्फाइट सल्फाइड आ गया, वैसे ही फोस्फेट फोस्फाइट फोस्फाइड आ गया। फोस्फेट में ऑक्सीजन का नंबर मैक्सिमम होता है, फोस्फाइट में एक डिक्रीज करना होता है, और आइड में तो ऑक्सीजन होते ही नहीं। यही फॉर्मूला यही सब जो ट्रेंड है नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइड में फॉलो हुआ और यही सल्फेट में फॉलो हुआ। एंड बेटा आपको एक बात और बता दूं कि नेगेटिव वैलेंसीज के लास्ट में ज्यादातर आइड एट या आइड आएगा। आपको चेक कर लो बेटा हर एक के लास्ट में या तो आइड है, जैसे सल्फाइट हो गया फोस्फाइट हो गया नाइट्राइट हो गया कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोरेट परमैंगनेट डाइक्रोमेट और हाइड्राइड फ्लोराइड। तो कंपाउंड्स बनाने के लिए आपको ये वैलेंसी चार्ट तो याद होना चाहिए। एक बार फिर से देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉजिटिव वैलेंसीज होगी ये सब, ठीक है, और इसके बाद ये कुछ नेगेटिव वैलेंसीज होगी, इसमें से +2 में से आप लास्ट 3 अभी चाहो तो स्किप कर सकते हो, ये इतनी ज्यादा मतलब कि 9th 10th के लेवल से थोड़ा सा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th के लिए तो आप करना पड़ेगा, ठीक है, 9th भी छोड़ सकते हो। और -1 में से आप एसीटेट के बाद वाले छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर याद करना तो अच्छा है वैसे तो। ओके चलो फ्रेंड्स अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया गया यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर वैलेंसी वाले टेबल में से आप चेक कर लो कि सोडियम का सिंबल होता है Na, जिसके ऊपर चार्ज था +1, आप अकेला उसका 1 लिख लो। हाइड्रोक्साइड इसका सिंबल है OH, जिसके ऊपर चार्ज होता है -1, इसका भी सिर्फ आप 1 लिख लो। सो पहले सोडियम का सिंबल उसकी वैलेंसी लिख ली, फिर हाइड्रोक्साइड का सिंबल उसकी वैलेंसी लिख ली। अब बेटा आपने करना क्या है, अब आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब सोडियम का भी एक एटम आएगा हाइड्रोक्साइड का भी एक बार आपने यूज करना है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया NaOH। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट है इसका ग्राम मोलिकुलर मास। बेटा इसके लिए ना आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के मोलर मास गिवन होंगे या आपने उनको याद कर लिया होगा। जैसे कि सोडियम का मास 23 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ठीक है, अब इनको प्लस कर लो, 23 प्लस 16 प्लस 1 ये आ गया बेटा 14। सो ग्राम मोलर मास इज अ 40 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिसिटी इसका मतलब होता है कि एक मोलेक्यूल में कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मोलेक्यूल। अब चेक करो, सोडियम का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, तो इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। क्लियर, इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और इसकी वैलेंसी होती है 2। ऑक्साइड का सिंबल होता है O, इसकी वैलेंसी भी सेम होगी बेटा 2। जब ना वैलेंसी सेम हो तो आप इनको कट कर सकते हो, इसका मतलब ये भी 1-1 ही रह गया। तो फिर से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब कैल्शियम का भी एक एटम, ऑक्सीजन का भी एक एटम, और ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम का मास कितना है, कैल्शियम का मास होता है 40, ऑक्सीजन का बेटा मास होता है 16। सो 40 प्लस 16 ये बन जाएगा 56। अब बारी है इसकी एटॉमिसिटी की, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2, कैल्शियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल अभी देखा था हमने Na, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। बाइकार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3, इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। अब फिर से आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया फॉर्मूला NaHCO3। तो ये तो बन गया बेटा हमारा फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब बारी है इसके ग्राम मोलेक्यूलर मास की। सोडियम का मास कितना होता है, 23। हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास होगा 12। अब ऑक्सीजन का मास 16 है और उसके 3 एटम्स हैं, तो 16 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सोडियम का मास है 23, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, उसके 3 एटम्स हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 × 3 ये बन जाएगा 48 प्लस 12 60 प्लस 1 61 प्लस 23, तो ये बन गया मेरा टोटल 84। इसका मतलब इसका मास कितना होगा, 84। अब बारी है इसकी एटॉमिसिटी की, सोडियम का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम, कार्बन का, ऑक्सीजन के 3 एटम। सो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। बेटा इसका मतलब इसकी जो एटॉमिसिटी है वो कितनी आ गई, 6। ठीक है, बस दो एग्जांपल्स और, उसके बाद फिर आपने करना है। जैसे मान लो आपको आ जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का सिंबल होगा Ca, जिसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। हाइड्रोक्साइड उसका सिंबल कितना होगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो जब ना बेटा आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लीज इसको ऐसे मत लिख देना CaOH2, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी दो बारी आएगा, हाइड्रोजन भी दो बारी आएगा, तो इसको आपने कैसे लिखना है, Ca ब्रैकेट यूज करोगे आप, OH फिर आपने 2 लिखना है। इसका मतलब कि O भी दो बारी, मतलब कि ऑक्सीजन के भी 2 एटम और हाइड्रोजन के भी 2 एटम। क्लियर, अब जब आप इसका मास कैलकुलेट करोगे तो कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, हाइड्रोजन का होगा 1, इन दोनों को प्लस करके फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, सो इसका मतलब ये 16 प्लस 1 17, 17 × 2 कितना बन गया, 34
40, ये थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, 34 प्लस 40 ये बन गया 74, ठीक है, ये बन गया 74। एक लास्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का बेटा सिंबल क्या होता है, Al, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3। सल्फेट का सिंबल होता है SO4, इसकी वैलेंसी होगी 2। तो इसको पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रिस क्रॉस। इसका मतलब एल्यूमिनियम के आएंगे 2 एटम, एल्यूमिनियम के 2 एटम। अब बेटा फिर से आपने ब्रैकेट यूज करना है, बिकॉज यहां पर सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो SO4 होल थ्राइस, ठीक है। ये तो बन गया फॉर्मूला एल्यूमिनियम सल्फेट का। अब इसका मास चेक करते हैं, एल्यूमिनियम का मास होता है 27, इसके 2 एटम्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस सल्फर का मास 32, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, इसके 4 एटम्स हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और इस पूरे ब्रैकेट को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 27 × 2 ये बन गया 54, 32 पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, 16 × 4 बेटा, 16 × 4 = 64, इसको प्लस करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 54 प्लस 32 प्लस 64 ये बन गया 96। 96 को 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 96 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 288। सो 288 प्लस 54, इसका बेटा मास बन गया 342, ठीक है। पहले एल्यूमिनियम का मास 27 × 2, उसके बाद सल्फर का मास 32, फिर ऑक्सीजन का 16 × 4, इसके बाद इसको × 3, 16 × 4 = 64 होगा, 64 प्लस 32 = 96। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें आपने ऐड करना, तो इसका मास कितना बन गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स 2 बेटा, सल्फर के 3 एटम्स काउंट होंगे 3, ऑक्सीजन के 4 × 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 = 12, सो 12 प्लस 5, तो इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी बन गई 17, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में 17 एटम्स प्रेजेंट हैं। बट आई होप सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए, आपको यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इसमें से हमने फर्स्ट तीन थ्री का डिवेल मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड, यहाँ पर ई आएगा मैग्नीशियम में, सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है बेटा। अब आप इनके एग्जांपल्स कर सकते हो, इनका मोलर मास निकाल सकते हो और इनकी एटोमिसिटी, ठीक है। इसमें से आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अगर आपसे कोई ना सॉल्व हो, ओके।